बेबाक बोल, देश के कोने कोने की हर खबर। हूँ आपके साथ निशा यादव, मुद्दा आपका, उठाएंगे हम बनेंगे आपकी आवाज। और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह, देश भर में 260 रिपोर्टों के साथ आपकी आवाज हम पहुँचाएंगे सरकार तक। जनता मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता का जानकारी देते हुए बताया कि आगामी कुछ महीने के पश्चात ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस टीम के द्वारा एसएसपी अभिषेक यादव के आदेशों पर गाँव में अवैध शस्त्र के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि इन ग्राम पंचायती चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसी क्रम में थाना बुढ़ाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष मगनवीर गिल और उनकी पूरी टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम झोला के जंगलों से एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। आज थाना बुढ़ाना की टीम ने मुखबिर की सूचना में ग्राम झोला से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पकड़ा है, जिसमें जिसमें हमने करीब 8 तमंचे, 2 मस्कट और शस्त्र बनाने के जो भी सामग्री है वो बरामद की है। इसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, आकिल, पंकज और राहुल। आकिल पे पहले भी मुकदमा रहा है और ये इस चीज़ में संलिप्त रहा है और हम इन पे आगे की कार्रवाई। सर, कहाँ पे बना रहे हैं तमंचे? बना रहे कहाँ बना रहे हैं? ये झोला गांव में ही अंदर इनके जो भी जो आइसोलेटेड एरिया है उसी में ये फैक्ट्री चल रही है। ग्राम प्रधान के चुनाव आने वाले हैं, क्या उसको उसी को लेकर कार्रवाई चल रही है। एडीजी साहब का भी अभियान चल रहा है, हमारे एसएसपी साहब का भी अभियान चल रहा है, उसी को लेकर, उसी को ध्यान में रख के हम पुलिस टीम जो है अवैध शस्त्र फैक्ट्री और अवैध शराब फैक्ट्री पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन